हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पैरा। आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। अगर आप मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं पहुंच चुकी हूं बेंगलुरु एयरपोर्ट, क्योंकि मैं निकली हूं ऊटी जाने के लिए। तो मुंबई से हमारी बेंगलुरु की फ्लाइट थी और उसके बाद यहाँ से हमारा ऊटी के लिए बस है। और अभी हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट में। यहाँ पे एयरपोर्ट का हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं। काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लगेज के लिए, सामान का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है एलिफेंट हाथी। कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। अभी तो जस्ट इंटर किए हैं, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो मैं आपको पूरा ये जो एयरपोर्ट है उसका एक्सप्लोर कराऊंगी आपको। बने रहिएगा आप मेरे इस चैनल पे। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो अभी रात के बज रहे हैं 1, तो फाइनली आप देख सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए बेंगलुरु का एयरपोर्ट का बाहर का जो रास्ता है वहाँ का। एग्जिट कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मुंबई से बेंगलुरु आए हैं। तो एग्जिट में जो थोड़ा बहुत हम एयरपोर्ट विज़िट कर पा रहे हैं वही आपको करा रहे हैं। और काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ पे, लाइटिंग है, ये बैम्बू से बना हुआ है, बहुत सुंदर है। काफ़ी बड़ा, आते टाइम ना जब हम लोग ऊटी से बेंगलुरु आएँगे तो उस टाइम पर हम उसके अंदर का बहुत सारी चीज़ें आपको विज़िट करा सकते हैं। और यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि लोग अपने फैमिली मेम्बर जो भी आने वाले रहते हैं उनका वेट करते हैं, तो उन्हीं लोग का वेट कर रहे हैं इस तरीके से। हम लोग निकल चुके हैं ऊटी के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और हमने लिया है बस। ये बस में पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्नड़ है आई थिंक। और 1 से 1.5 बजे तक हम पहुँचेंगे ऊटी, जहाँ पे हम होटल में करेंगे रेस्ट। उसके बाद शाम को देखेंगे क्या क्या करना है। तो बने रहिएगा आप मेरे इस ब्लॉग में, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये लैंग्वेज आई थिंक कन्नड़ है, यहाँ पे सारे लोग कन्नड़ बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग हैं कर्नाटका में। और काफ़ी अच्छा बस है, इस तरीके से आप सो सकते हैं बच्चे की तरह। रेक्लाइनर सीट है यहाँ पर, अंदर का मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है। और काफ़ी खाली है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।